ऑल, गुड मॉर्निंग। सो आज संडे है और मेरा वीकली ऑफ भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आज सारे काम खुद ही किए जाएं, क्योंकि एक संडे ही मिलता है जिस दिन आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो और अपने हिसाब से जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह की चाय के साथ। थोड़ा सुबह सुबह कुछ तो जाना चाहिए ना बॉडी के अंदर, तो इसलिए चाय पी लेते हैं और फिर करते हैं आगे दिन की शुरुआत। सो फाइनली मेरी चाय बन के रेडी है। ये एक्चुअली ब्लैक टी नहीं है, लेमन टी है। मैं थोड़ा विंटर्स में तो मिल्क वाली टी ले लेती हूँ, बट समर्स आते आते मतलब मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि लेमन टी, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मन हुआ तो कभी कभी कॉफ़ी ले लिया बस। और मैं ज़्यादातर चाय के साथ या तो न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, या फिर न्यूज़पेपर नहीं है तो फ़ोन तो यार होता ही है हाथ में, फ़ोन चला लिया फिर। अब मैं लंच प्रिपेयर करने जा रही हूँ। मेरी एक्चुअली कोशिश रहती है कि संडे को मैं ही कुछ ब्रेकफास्ट लंच जो भी बनाना है वो मैं ही बनाऊँ, क्योंकि पूरे हफ्ते तो मम्मी ही सब कुछ बनाती हैं, सुबह दोपहर शाम जो भी कुछ करना है। मैं तो बस सुबह उठी, रेडी हुए ऑफिस, और फिर उसके बाद फिर घर आकर फिर खाना पीना सो गए। तो एक संडे एक मौका भी होता है कि ठीक है चलो यार कुछ घर के भी काम कर लेते हैं, इसी बहाने माँ बाप भी यार थोड़ा तो खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है यार कुछ तो करती है लड़की। तो बस लंच में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक सा ही है, सिंपल सा खाना जैसे सबके घरों में होता है, दाल चावल सब्जी और सैलेड हुआ तो सैलेड दही कुछ भी, मतलब बेसिक सा ही है। बहुत ज़्यादा कुछ आज वैसे भी बनाने का मन नहीं है, और कभी कभी तो मन भी ऐसा ही होता है ना कि बस बहुत खा लिया और पटांग चीज़, अब तो बिल्कुल सिंपल सा कुछ चाहिए, तड़के वाली दाल और अचार और उसके साथ आलू की सूखी सब्जी, बस एक अलग ही मज़ा आता है भाई खाने में। तो आज बस वही प्रिपेयर करने वाली हूँ और फिर वही खाएंगे आज। मुझे कभी कभी ये सब काम करने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा सुकून देता है कि यार आज तो मैंने ये बनाया, आज तो मैंने वो बनाया। और कभी अगर मूड अच्छा ना हो तो ऐसी बोरियत लगती कि यार खाना बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, मुझे नहीं बनाना, नहीं खाएंगे, चलेगा, सब ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी ऑन संडेज मोस्टली कोशिश रहती है कि यार कुछ तो अलग बनाऊँ, और कुछ अलग नहीं भी बनाऊँ तो एटलीस्ट उस दिन सब कुछ मैं ही कर दूँ, सुबह दोपहर शाम को जो भी कुछ बनाना है, जो भी कुछ प्रिपेयर करना है वो एटलीस्ट मैं ही कर दूँ। कम से कम इसी बहाने थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और काम तो ऑब्वियसली हो ही जाता है।
और लंच के बाद हमारा प्लान बना कि चलो यार कहीं चलते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने भी नहीं गए, कहीं ऐसे हल्का फुल्का भी आउटिंग कुछ नहीं किया है, तो यार चलो आज तो काफ़ी टाइम भी है तो कहीं घूम कर ही आते हैं। तो सोचा कहाँ जाया जाए, तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि कहीं बहुत दूर भी नहीं जाते हैं, थोड़ा बस चिल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने लंच तो कर ही लिया था, तो कहीं ऐसे रेस्टोरेंट या फिर कहीं मतलब ऐसे कुछ खाने पीने वाली जगह पे जाने का तो मतलब नहीं था। तो सोचा बस ऐसे ही थोड़ा ड्राइव भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत कुछ घूम भी लेंगे। तो फिर डिसाइड हुआ कि चलो फिर गंगा बैराज से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है, तो बस फिर हम गंगा बैराज के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ के नज़ारे और वहाँ की शांति एक अलग ही फील देती है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आप अगर 2 मिनट भी वहाँ खड़े होकर पानी को देखते हो ना, तो पता नहीं कुछ कुछ अलग सा लगता है यार, एक अजीब सी अच्छी सी शांति मिलती है, सुकून लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि यार बस यही चीज़ चाहिए। बाकी पीछे कितना भी शोर चल रहा हो आप शायद ध्यान नहीं देते हो, या फिर देते भी होगे, बट जब आप इस नज़ारे को देखते हो ना तो अलग ही फील होता है, एक अलग सा सुकून महसूस होता है। और बस इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए बाकी लोग भी वहाँ जाते हैं, बस यूँ खड़े होकर पानी को देखना, बोट में जिनका मन है वो बोट राइड भी करते हैं, बाकी सब उस किनारे पे जैसे दिख रहा होगा सब जाकर बस फोटो क्लिक करते हैं। हम वहाँ पर नहीं गए, हम बस इधर ही थे ब्रिज के पास ही, हम वहीं से नज़ारे देख रहे थे। और फिर कुछ नहीं, हमने थोड़ी देर हम वहाँ पर रुके, और फिर बाकी लोगों की तरह हमने भी वहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब फ़ोटोज़ क्लिक की कि चलो यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो फ़ोटोज़ हो जाए, वैसे भी इतने टाइम से कहीं कुछ गए नहीं थे तो कहीं कुछ भी फ़ोटोज़ भी नहीं, कुछ न्यू क्लिक थी तो फ़ोटोज़ क्लिक हो गई। फिर थोड़ी देर वहाँ स्पेंड करने के बाद हम फिर वापस आ गए, और फिर सोचा अब डिनर के लिए क्या होगा, तो फिर लगा यार क्या बनाए, चलो आज बाहर से ही कुछ ले लेते हैं। तो बस हमने बाहर से ही डोसा पैक कराया और बस वही हमारा डिनर था।